इसलिए हो रहा है गाइस। ये रहो क्या हो रहा? अच्छा रोटी बन रही है हाँ? ये यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है, ये रोटी बन रही है, आज बन रही है, क्या बन रहा है जी? मेथी वाली रोटी। मेथी वाली रोटी बन रही है, ओके। तो आज हम सबकी छुट्टी है ना, तो छुट्टी का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है ना। चलो जल्दी करो फटाफट, भूख लगी है हमें, ठीक है। ये देखो ये लुक देखो ऐसे दे रही है। तो अभी बन रहा है खाना, तब तक के लिए हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो जी आज है 26 जनवरी और रिपब्लिक डे है हमारा, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो रिपब्लिक डे की, और उम्मीद है आप सब ने परेड भी देख ली होगी अब तक। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तब तक आधी निकल चुकी थी। तो यार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बचपन में ना बड़ा ऐसे शौक होता था कि परेड देखेंगे, 26 जनवरी आई है, एक तो छुट्टी होती थी, ऊपर से परेड देखते थे, झांकियां देखते थे, एंड तक देखनी बिल्कुल जब तक ख़त्म नहीं हो जाती पूरी। और तब हमें कोई लेना देना नहीं होता था कि हमारे देश के पास क्या है क्या नहीं है और कौन चीफ गेस्ट है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन कुछ नहीं पता होता था, बस झांकियां देखने के लिए हम लोग परेड देखते थे। तो अब जैसे जैसे बड़े हो गए हैं, काम धंधों में बिज़ी हो गए हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नीचे चली गई हैं हमारी प्रायोरिटीज़ में। आज जैसे हम लेट ही उठे थे क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गए थे सोते सोते, और थोड़ा ऐसे आलसी होने का भी मन करता है जब छुट्टी होती है, तो वो वाली चीज़ें। और ऊपर से आज बड़े दिनों बाद ना धूप निकली है, अभी फिर से थोड़ी गायब हो गई है लेकिन आज धूप निकली हुई है, थोड़ी ठीक लग रही है। और यार 20-25 दिन से ना सूरज नहीं देखा हमने, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, और इतनी ठंड मुझे लगता है मैंने कभी बचपन में ऐसा फील किया था कि इतने दिन कभी सूरज नहीं निकला और धुंध पड़ी हुई है। और इस बार तो बारिश इतनी हो रही है, बरसातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो चलो देर है दुरुस्त है, आज थोड़ी धूप निकली है, मे बी आगे मौसम क्लियर ही रहेगा। और आज मेरे माइंड में ना एक चीज़ आ रही थी कि जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, तो चलो इस दिन क्या इम्पोर्टेंस है इस दिन की हमारी लाइफ में, हम भारतवासियों की, तो उसके बारे में ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे प्रिया से। तो देखते हैं उसको कितना पता है इस चीज़ के बारे में कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो चलो करेंगे कुछ बातें उससे, देखते हैं, पहले खाते हैं खाना और फिर मैं करता हूँ उससे क्वेश्चन थोड़े, और देखते हैं क्या उसके पास आंसर है कि नहीं है। तो चलो करते हैं इंजॉय यार, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में आज। हेलो बजूस, क्या चल रहा है भाई? हैप्पी रिपब्लिक डे। आ जाओ। चुपचाप भाई, कहाँ फंस गया तू? आ जा। ये इतना डरता है ना ये भाई, अभी ये देख। इसको बाहर भी निकलना है पर ये इसको डरना भी है भाई, दोनों काम नहीं होते, हिम्मत करनी पड़ती है थोड़ी आज़ादी के लिए, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलती है। चलो इसको करने देते हैं एंजॉय, इसको बाद में निकालेंगे, पहले खाते हैं खाना उसके बाद करेंगे बात ना। ये मैडम लगी हुई है मक्खन पिघलाने में, रोटी तो मुझे लग रहा है ठंडी हो गई है। नहीं नहीं गर्म है यार। अच्छा चलो ठीक है जी, खाना आ गया हमारी प्लेट में, और आज हमने रोटी बनाई है मिस्सी रोटी है ना, मेथी मुथी डाल के। और ये हम लोगों को जब छुट्टी होती है तब मिस्सी रोटी क्यों बनाते हैं?
तो मतलब ये कुछ डिफरेंट बनाते हैं, रोज ब्रेड ब्रेड खाते हैं। हाँ मतलब कुकिंग से भी छुट्टी होती है आज। ये पार्शल कुकिंग चल रही है। अच्छा मतलब कि कुकिंग में नहीं आता। ये है कुकिंग पर ये आधी करनी पड़ी ना, सिर्फ रोटी से ही हो गया काम। और ये असली काम चोर है, ये है असली काम चोर जिन्होंने सारे पराठे बनाए हैं। हेलो बोल दो सबको। हेलो एवरीवन, ये भूपिंदर, ये छोटी सिस्टर है मेरी, और खाने पीने का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी की ड्यूटी रहती है। बेबी तुम्हें मेरी घरवाली है, ये सिर्फ जॉब करती है। आप मेरे को क्या दिखाना चाहते हो? मतलब ये है कि ये सिर्फ खाती है ये ना? सब्जी बनाती है और ये बनाती है रोटियां। और आप? मैं नहीं, मैं नहीं बता सकता। बाकी जो भी बचा बुचा वो सब मैं करता हूं। बाकी जो भी है वो सब मैं देखता हूँ। चलो खाना खाते हैं पहले। आज धूप निकली है थोड़ी, तो बजीस को भी धूप थोड़े से, इनको भी दर्शन करा देते हैं सूरज के, और खुद भी बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। हाँ भाई कैसा बच्चा? ये ऐसे गेंद जैसे फूल जाते हैं जब इनको ठंड लगती है तो। ये लो जी प्रिया भी आ गई है, खाना पीना हो गया और आज थोड़ी धूप निकली है। मज़ेदार तो नहीं है, थोड़ी हवा है पर। इधर पे बैठो, यहाँ यहाँ करो और इसके साथ पेट लगा लो। नहीं यार मेरे को तो मतलब मुँह पे धूप लेने का मन कर रहा है ऐसे। क्यों? मज़ा आता है ऐसे मुँह पे धूप लेने का। ये क्या है, कहते हैं सन बाथ हो रहा है। हाँ, सन बाथ है करते हुए 20-25 दिन धूप बाद निकले तो फिर तो जरूरी ही है। फिर तो एक दिन की धूप भी कम लगेगी। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव सा लगने लग गया था ना, बिना धूप कैसे लग रहा था कि कहीं मतलब नरक में आ गया। ऐसे ही लगता था बाहर देख के तो। बड़े दिनों बाद धूप देखी है इतनी अच्छी, थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी लग रही है बट ठीक है चलेगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आज 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे है, तो मतलब पता है आपको क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? क्या होता है 26 जनवरी को, क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ तो हुआ होगा तभी तो छुट्टी मिलती है। मतलब 26 जनवरी वाले दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान जो है वो लिखा नहीं मतलब लागू हुआ था। हाँ ठीक है, सही जवाब दिया ना। हाँ सही है। अब ये मत पूछना संविधान क्या है। वो मैंने नहीं पढ़ा, पर हाँ संविधान मतलब कि जो उसमें कुछ राइट्स है, जो कुछ भी, रूल्स जो भी है, लॉज बने हैं हमारे। हाँ मतलब एक सिटीजन के क्या क्या राइट्स होते हैं, वो जितने भी लॉज है वो सारी चीजें, ड्यूटीज, कौन सी चीज ऑफेंस है, कौन सी चीज आपके लिए सही है आप कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते, सारी चीजें मतलब एक सूत्रधार जिसमें पूरा देश एक कानून के अंदर चलता है, तो वो कानून बेसिकली जो उसको संविधान बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्या? कि संविधान किसने लिखा था? संविधान लिखा था डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी ने, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत के बाद इसको पूरा कंपाइल किया था और लिखा था, उसके बाद ये 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि 26 जनवरी तो ठीक है बट ईयर कौन सा था? 1950 ईयर सही है, 1950 को। हाँ 1950 को हुआ था, तो आज़ादी के 3 साल बाद जाके हमें संविधान हमारा लागू हुआ था, उससे पहले हम अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चला रहे थे। अभी भी खैर वही है, मतलब ज़्यादा उसमें चेंजेस हुए नहीं है, अभी भी यही कहा जाता है कि वही पुराना ही सब कुछ है, थोड़ी चीज़ उसमें हमने अपने हिसाब से चेंजेस करे थे। तो चलो बताओ मतलब कितने साल हो गए इसको लागू है? हाँ। तो लगा लो आप 50 से आज 22 में चले गए, तुम लोग देख लो कितने लगा लो, आपको ऐसे याद होना चाहिए। नहीं नहीं ये चीज़ याद रखने की थोड़ी है, ये अच्छा ये 73rd रिपब्लिक डे है हमारा। ओके चलो बढ़िया है। और ये भी बताना नीचे कमेंट में कि किस किस को नहीं पता था। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना।
हर किसी को ये तो मेरा भी मतलब बहुत ऐसे पुअर सा है, इसमें तो मतलब रट्टा ही मारना पड़ता है, का पार्ट होता है, मतलब रट्टा ही मारना पड़ता है एक टाइप का, बट मेरे को तो वो भी भूल जाता है, तो ये कुछ डेट्स तो याद रह जाती है। एक दो चीजें होती है, या तो प्रोफेशनली उस फील्ड में हो तो आपको याद रहती हैं चीजें, या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, या तो आप उसके टच में। हाँ वही 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 इंटरेस्ट होता है तो आप टच में रहते हो। जैसे मैं वैसे तो आईटी डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन, बट मैं टच में रहता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो वो मतलब इंटरेस्ट है, इसलिए उसी टच में रहता हूँ मैं, मतलब मेरे को शौक है उन चीज़ों का, तो मैं ऑटोमेटिकली पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में। जब भी न्यूज़ देखता मेरा ना, आप न्यूज़ बोर्ड देखना तो उसमें 80% जो है वो सजेशन वही होती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये या तो इंटरेस्ट होता है या तो प्रोफेशनली टच में हो तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है ना। और कुछ इससे रिलेटेड मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन था आपके। अच्छा परेड देखी आज आपने? नहीं यार आज नहीं देखी, वो भूपिंदर देख रही, तो मैंने थोड़ी सी देखी, तो मेरे को ना ऐसे जब उसकी वो आवाज आ रही थी ना जो एंकरिंग करते हैं, तो वो ऐसे वो जो आवाज बैंड बजता रहा, वो ऐसे नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है कि वो पुराने टाइम में हम जब देखते होते थे बचपन में, नहा धो के बैठ जाते थे कि परेड देखनी है, सुबह टाइम से ही नहा धो के बैठ जाना, शुरू से देखनी है एंड तक। और शुरू शुरू में तो इंटरेस्ट भी नहीं होता होगा ना जितना, जब वो वेपन्स वगैरह दिखाते हैं सारा जो हम इंडियंस के पास वो है, मजा आता था देखने में कि आसमान में वो जब हेलीकॉप्टर और कलर्स वगैरह वो करते हैं, वो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जेट्स होते हैं, तो वो बेसिकली शक्ति प्रदर्शन होता है एक तरीके से, और हमें बताया जाता है और दूसरे देशों को भी दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो हमारी आर्मी जिनको होल्ड करती है, जिनको ओन करती है। हाँ चलो और कुछ इससे रिलेटेड कुछ। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा जो राष्ट्र गान है जनगण मन, वो किसने लिखा है? वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना? क्या बात है। हाँ वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत कौन कौन सा है? वो वंदे मातरम नहीं है? अच्छा वंदे मातरम। हाँ नहीं पता किसने लिखा है। ये लिखा है मतलब मेरे को भी प्रॉपर ऐसे नाम नहीं याद, पर बंकिम नाथ चटर्जी। हाँ बंकिम नाथ है या नहीं कुछ ऐसा है। हाँ मतलब वैसा कुछ है, वैसा कुछ है ना। हाँ भाई ये किसी को पता होगा तो बताना यार कमेंट से, मतलब हमारी थोड़ी सिविक्स पुअर है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 8वीं 9वीं की बात है, 8वीं 7वीं 8वीं की बात है जब हम पढ़ा करते थे, उसके बाद कभी टच में रहे नहीं है। भाई नॉन मेडिकल के साथ ना जो हो जाते हैं स्टूडेंट टेक्निकल वाले, उनके साथ ये थोड़ा इशू रहता है कि उनको इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ की नॉलेज बहुत होती नहीं है अच्छी, तो उसके बाद हमने कभी पढ़ा ही नहीं चीज़ें, ना कभी लाइफ में कभी एनकाउंटर हुई ऐसी टाइम की हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़े, याद करनी पड़ेंगे कुछ। ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमने कोई दिया नहीं है, क्योंकि शुरू से इंजीनियर बनना था इंजीनियर ही बने हैं, तो ये चक्कर है, तो इसलिए इनका पता नहीं है। पता होगा तो नीचे बताना उसका नाम क्या था पूरा, जिस भाई ने राष्ट्रगीत लिखा था। टेढ़ी लगी भाई ये बिंदियां बनाने वाली कंपनी से अनुरोध है कि इसमें थोड़ी गूंद ज्यादा लगाई जाए, ये 50 मेरी गिर चुकी ये, है ये जब भी हाथ से दबाते हैं तो ये चिपकती कम है, उंगली में ज्यादा चिपक जाती है। अब ठीक है ठीक है, बट अभी भी सीधी नहीं लगी है और ये लगी नहीं है ढंग से, उल्टी हो गई अरे यार रहन दो यार छोड़ो इसको। चलो ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें और जनरल नॉलेज की बातें, और अभी 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन भी आ रही है ना, तो यार बीइंग एज ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी हमारे वोटर्स को थोड़ा और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, ताकि वो अपने लीडर्स अच्छे से सही तरीके से लीडर्स चुन सके, ना कि ये धर्म के बेस पे जाति के बेस पे के ऊपर मत वोट करो, है ना। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली, तो सबसे मेन चीज़ है जो आधार है हमारी सिविलाइजेशंस का, है ना, वो रहता है खाना पीना और शेल्टर, ठीक है जी, और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक हम जिनके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है
तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं थोड़ा यार केयरफुली मतलब डिसीजन लेना इस चीज़ के लिए, है ना, ताकि आप अच्छे से अपने लीडर्स चूज़ कर सको और एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो आपको एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। और यार अगर कोई नालियाँ गलियाँ बनाने को विकास कहता है ना, तो भाई प्लीज़ उससे पूछो कि यार अगर हम नालियाँ गलियाँ बनाते रहेंगे, 60 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, इससे भी ज़्यादा हो गए, है ना, तो अगर हम नालियाँ गलियाँ अभी तक पक्के कर रहे हैं तो फिर हम तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे चले गए बाकी वर्ल्ड से। जितने भी वोटर्स हैं अपनी वोट का ज़रूर यूज़ करो और एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी पार्टी, अच्छी आइडियोलॉजी को जिताओ, ना कि ये धर्म जाति, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। आपके बच्चों को कोई जाति कोई धर्म पढ़ा नहीं सकता, ना आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है, ठीक है। वो जितना उनके लेवल पे वो करना चाहिए और रिलीजन वालों को वो उतना कर रहे हैं, लेकिन एक एक मूलभूत ढांचा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यार ध्यान रखो इस चीज़ का ना, ज़रूरी है ये चीज़, मतलब सोचो थोड़ा इसके बारे में, ठीक है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। आज हमने बहुत सारी बातें करी, कुछ 26 जनवरी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी, आप लोगों को भी शायद किसी को ना पता हो तो उसको भी पता चली होंगी, और अगर कुछ हमें नहीं पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, है ना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तो चलो हम दोनों की तरफ से आप सबको एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। सन बात कर रहा है और ये पता नहीं क्या बोलता रहता है, अकेला इतनी तेज बोलता है ना, कई बारी तो इरिटेट कर देता है ये। यार ये बोल टूटी जा रहा है, खोलना मत। आजा आजा, देखो कैसे उड़ गया, कैसे देखती है पीछे मुड़ मुड़ के। ये हमारी ब्रेव गर्ल है, ये नहीं डरती। वो जो उधर गया हुआ है ना, ये तो इसको आज़ादी भी चाहिए लेकिन इसको डर भी सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये तो है नहीं काम का बंदा ना। ये तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, ये तेरे को ऐसे आज़ादी मिल नहीं सकती जैसे तू लगा हुआ है। और ये बहुत ब्रेव है।